चैप्टर फोर मोशन इन ए प्लेन। नाउ टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इट मीन्स दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, वर्क, पावर etc. एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम etc. नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज पोलर वेक्टर एंड सेकेंड इज एक्सियल वेक्टर। फर्स्ट इज पोलर वेक्टर। इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट। इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स etc. तो दोज वैक्टर विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट नोन एज पोलर वैक्टर। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। सपोज डिस्प्लेसमेंट इज सपोज हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 मीटर नॉर्थ। तो ये हो गया आपका 10 मीटर और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका। ये पॉइंट हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एरो डायरेक्शन शो करेगा और ये ही आपका एंड पॉइंट भी क्या है शो करेगा। तो ये जो आपका एरो है, एरो से हम क्या है वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट। तो इसमें क्या है पोलर वेक्टर में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो वेक्टर आपके पोलर वेक्टर बोले जाएंगे। सेकंड इज एक्सियल वेक्टर। इट रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग
द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल. फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ईटीसी. द नोटेशन इज एक्सेल वेक्टर और जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या है राइट हैंड थंब के रूल के अकॉर्डिंग होगी. जैसे ये हमारा थंब है तो जो थंब की जो डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन शो करेगी एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन. और ये जो उंगलियां जिधर आपकी रोटेट होंगी वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या है रोटेशन की डायरेक्शन को शो करेंगी. तो ये हो गया आपका एक्सियल वेक्टर. ये तो हो गया आपका एंटी क्लॉक वाइज. जब हमारा क्या है एंटी क्लॉक वाइज कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपकी डाउनवर्ड हो जाएगी. ये हो जाएगा एक्सियल वेक्टर. नेक्स्ट है डेफिनेशंस इन वेक्टर एलजेब्रा. फर्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर. फर्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर. इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड रिप्रेजेंट बाय वेक्टर ए का मॉड्यूलस और ए. वेक्टर क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी हम कैपिटल सिंबल ले लेते हैं, लेटर कैपिटल लेटर का कोई सिंबल लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या एरो लगा देते हैं तो ये आपकी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का ये क्या है सिंबल है. मान लो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या है इसका जो मैग्नीट्यूड है आपका क्या है वेक्टर ए मॉड्यूलस या फिर हम खाली ए से हम क्या है डिनोट करेंगे. हम क्या है एक वेक्टर ले लेते हैं, सपोज एक वेक्टर दे रखा है हमें वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. हियर आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स. तो हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट में ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर. इसी को हम ए से भी हम क्या डिनोट कर सकते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर. सेकेंड इज यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो यूनिट हो यानी वन हो तो वो आपके यूनिट वेक्टर बोले जाते हैं. तो इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. सो दैट यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए. ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए. हियर ए इज द
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इक्वल वेक्टर्स, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इट मीन्स दोज वैक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन नोन एज इक्वल वैक्टर। सपोज दैट वैक्टर ए इज एंड दिस इज वैक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड सेम है, इट मीन्स इनकी लेंथ आपकी डिस्टेंस लेंथ या डिस्प्लेसमेंट सेम है आपका। दूसरा डायरेक्शन भी आपकी दोनों की सेम है, तो ये दोनों वेक्टर आपके क्या होंगे, इक्वल वेक्टर। फोर्थ इज नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स दोज वैक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज नेगेटिव वैक्टर्स। सपोज दिस इज वैक्टर ए एंड दिस इज वैक्टर बी, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ये दोनों आपके क्या हैं, अपोजिट वेक्टर बोले जाएंगे। इसके बाद में आपका फिफ्थ को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट is known as co-initial vectors. It means their initial point is same, और इसे हम common भी बोल सकते हैं कि इनमें क्या है, initial point आपका क्या हो, same हो या common हो, तो वो vector आपके को इनिशियल वेक्टर बोले जाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ओ है, ये आपका वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का जो कॉमन है, इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, कॉमन है, तो ये वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है ये आपके कैसे वेक्टर बोले जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। सिक्स इज कोलिनियर वेक्टर्स, इट हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड सेम और अपोजिट डायरेक्शन। इट हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड सेम और अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स कोलिनियर वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपके सेम मैग्नीट्यूड के हों या सेम डायरेक्शन के, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी,
वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल है तो ये आपके कोलिनियर वेक्टर बोले जाएंगे। मान लो ये आपका वेक्टर ए है, अपोजिट डायरेक्शन में देख लेते हैं, ये आपका वेक्टर बी है तो ये भी आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर बोले जाएंगे। सेवन इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स आपके कौन से होते हैं, विच वेक्टर्स दोज आर एक्टिंग इन ए सेम प्लेन, दीज आर एक्टिंग इन सेम प्लेन नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है तो इसी प्लेन में एक वेक्टर आपका ये एक्ट हो रहा है, इसी प्लेन में आपका एक वेक्टर बी है और ये एक वेक्टर आपका सी है तो वेक्टर ए बी और सो सी है, कैसे बोले जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। एट्थ इज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर इट हैज इनिशियल पॉइंट एंड इट इज फिक्स, तो इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है वो वेक्टर आपके लोकलाइज्ड वेक्टर बोले जाते हैं। दूसरा है आपका, नाइन्थ है आपका नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इट्स इनिशियल पॉइंट डज नॉट फिक्स्ड, इट्स इनिशियल पॉइंट डज नॉट फिक्स्ड। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता वो आपके नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोले जाते हैं।